कार्तिक महामहत्तम अध्याय 7। हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक महामहत्तम के छठे अध्याय में आपने सत्यभामा जी के पिछले जन्म की बड़ी ही सुंदर कथा सुनी। अब आज इस 7वें अध्याय में हम तुलसा महारानी की पावन कथा का श्रवण करेंगे, साथ ही जानेंगे तुलसा महारानी वृक्ष रूप कैसे हुई और वो भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय क्यों है। शुरू करते हैं। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महत्तम का 7वां अध्याय सुना। इतनी कथा सुनकर सूत जी से शौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, सत्यभामा के पिछले जन्म का वृतांत बताकर आपने सभी पर बड़ी कृपा करी। अब आप कृपया करके कार्तिक मास तथा तुलसी का महत्तम कहिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथ्वी ने किया था और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया था वही मैं तुमसे कहता हूं। ध्यान से सुनो। एक समय राजा पृथ्वी नारद जी से आदर पूर्वक पूछने लगे, हे नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी अधिक प्रिय है, आप इसका महत्तम कहिए। तब नारद जी कहने लगे, एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गए। जब कैलाश पर पहुंचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है। तब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना व्रज उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का व्रज भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र दंडवत झुककर भगवान शिव की स्तुति करने लगे, हे देवादि देव, हे त्रिपुरासुर तथा आकाशसुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति सुनने पर श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवताओं, वर मांगो, मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूं। हमने इंद्र को जीवन दान दिया और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दह कर सकने वाली अग्नि जो आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई है उसको शांत करिए। तब शिव कहने लगे, नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अतः हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहके अग्नि को हाथ में लेके समुद्र में फेंक दिया। वे अग्नि गंगा के संगम, जिसे हम लोग गंगा सागर कहते हैं, वहां जाकर के गिरते ही वह अग्नि बालक रूप में परिवर्तित हो गई और रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा जी जो समुद्र की गोद में बालक को देखकर आश्चर्य से पूछने लगे, यह बालक किसका है। समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे, यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म करिए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इतने जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस बालक ने हमारे आंखों से जल निकाला है, अतः इस बालक का नाम जलंधर होगा, परंतु यह शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि यह शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है, यह अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। पर
परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा जलती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। इसके बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी होती है, पर देश जाने पर दुखी और पति के मर जाने पर सती हो जाती है। पति के पाप तथा पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को अपने पति के मर जाने पर स्व इच्छा से सती हो जाना चाहिए। जो स्त्री सती हो जाती है वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्षों तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। इतना कहके नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए थे वे जलंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने कटे सर राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर ने क्रोध में आकर घसमर नाम वाले दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। घसमर दूत इंद्र की सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार किए बिना कहने लगा, दैत्यपति जलंधर ने जो कुछ कहा है वह सब सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको वापस कर दो। घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा, समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, अतः हमने उसको मत कर रत्न लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने यह सब समाचार जलंधर से जाकर कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुंभ तथा निशुंभ को अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरवती पुरी को सब ओर से घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ खून बहने लगा। मर कर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वृतांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जलंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दे दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर युद्ध करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत की तरफ गए तो दिव्य पर्वत को ना देखकर और देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबराकर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र यहां से भाग जाओ, यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो तुमसे नहीं मरेंगे। गुरु जी की ये बात सुनकर देवता भय के मारे दसों दिशाओं में भागने लगे और जलंधर दैत्य ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारू सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जलंधर इंद्र की पूरी अमरावती को शुंभ निशुंभ के अधिकार में सौंप कर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गए। इंद्रादि सब देवता जलंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। बोले, हे मच, कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले,
सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीतांबर धारी शरणागतों के रक्षक, आपको हम सब का नमस्कार है। हे देव, जलंधर दैत्य से दुखी हम सब देवताओं का संताप हरो। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को सुनता है उसके संकट नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उड़ गरुण पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जलंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान मैं आपकी परम प्रिय हूं, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड़क लेकर जलंधर के साथ युद्ध के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुण के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह विष्णु जी के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर दैत्य का महाघोर युद्ध हुआ, आकाश बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जलंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गरुण के मस्तक पर गदा मारी जिससे गरुण जी को मूर्छा आ गई। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मलयुद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कांपने लगा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझसे यही वरदान दे कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करें। ऐसा ही हो कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जलंधर नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, यश आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेषादि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, गंधर्व, किन्नर, यश और मनुष्य सबको अपनी प्रजा मानकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर के राज्य की लक्ष्मी को देखने के लिए हम भी वहां गए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जलंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया, भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा, हे महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ? क्या आज्ञा है? हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहां पार्वती सहित अवधूत शव और उनका वैभव देखा तो मैं चकित हो गया। ऐसा वैभव किसी और का भी हो सकता है? ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहां पर आया हूं। यहां आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है, भस्म लेपन करने वाले, राग रहित, कामदेव के शत्रु, शिव के पास स्त्री रत्न जैसी पार्वती है। वैसे यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। अतः तुम्हारा ये वैभव स्त्री रत्न रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोकी में कोई नहीं है,
क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी महान सुंदरवान स्त्री है। इन्हीं पार्वती को देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, पर एक भी पार्वती की समता को नहीं पहुंच सकी। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, हम तो इतना कह के वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम जोर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला, हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूट धारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ सब रत्नों का स्वामी हूं, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिव जी ने अपनी भ्रुकुटी में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे शिव, मैं ब्राह्मण हूं और दूध भी हूं, तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। इसके बाद वह भयानक पुरुष जो भगवान शिव की भ्रुकुटी से उत्पन्न हुआ था, वह राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तब शिव जी कहने लगे, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। ये सुनकर वो आज्ञा का पालन करता हुआ अपने हाथ पैर खाने लगा। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिवजी जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। आप सबने देखा होगा मंदिर के बाहर एक मुख सा बना होता है, यही द्वारपाल कीर्ति मुख है। भगवान शिव से पहले उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु मिले। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गए। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिप गए शिवजी जी को खबर दी। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 7 समाप्तम। कल कार्तिक महामहत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे और जानेंगे कि शिवजी जी ने जालंधर का वध कैसे किया। तब तक नाम जाप करते रहो और याद रखो, कलयुग केवल नाम अधारा। सिर्फ नाम जाप करके ही हम प्रभु भक्ति, प्रेम, मुक्ति सब पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, अपनी हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा।